देखिए बॉलीवुड ने अपने खाते में कुछ अच्छी मूवीज दर्ज कर रखी हैं। उनमें से एक थी भूल भुलैया, जो कि उस वक्त की ऐसी मूवी रही जिसको आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं, अकेले देख सकते हैं। हॉरर है, हंसी मजाक है, सब कुछ डाल रखा था इस फिल्म में। और ऊपर से अक्षय कुमार की जो टाइमिंग रही, जिस तरीके को उन्होंने एक्ट किया, साथ में विद्या बालन मूवी पर 4 चांद लगाते हैं। और थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन राजपाल ने कुछ ऐसा जादू किया इस फिल्म में कि भाई आपका मन करता ही नहीं जब ये टीवी पर आ रही हो तो चैनल चेंज किया जाए। भाई रूल किया था इस मूवी ने। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने देखा भूल भुलैया 2 का ट्रेलर। देखिए कार्तिक आर्यन इज अ गुड गाय, अच्छी मूवीज करते हैं, ठीक एक्टिंग कर लेते हैं, लेकिन भाई भूल भुलैया 2 में उन्होंने कतई साफ साफ स्क्रीन के ऊपर हक दिया है यार। कुछ आइकॉनिक डायलॉग्स थे भूल भुलैया के, जैसे हुर्र वाला डायलॉग आपने सुना होगा। भाई क्या एंटिक चीज की अक्षय कुमार ने, इस डायलॉग का जनाजा उठाया कार्तिक आर्यन ने, मतलब कि यार क्या कर दिया तुमने। मंजुलिका एक रानी हुआ करती थी जिसके प्रेमी के साथ पकड़ लिया था, छोड़ो वो कंसेप्ट, आग लगाओ ऐसे कंसेप्ट की, मंजुलिका काला जादू एक्सपर्ट है। मूवी के अंदर आपको एक बहुत कड़क टैलेंट देखने को मिलेगा जो कि है राजपाल, लेकिन टू बी फ्रैंक राजपाल के टैलेंट को भी इन लोगों ने कहीं ना कहीं वेस्ट कर दिया होगा। ट्रेलर में दिखाया उनको 8-10 सेकंड के लिए, एक डायलॉग भी बुलवाया है, बट जिस तरीके से उनका गेटअप है, जिस तरीके से कार्तिक आर्यन उनका गुरु चेले का वो सीन दिखाया गया है, भाई ये करेंगे कुछ ना कुछ गलत। मेरे को ना बहुत तगड़ी वाइब आ रही है मूवी देखने के बाद, कुछ और मिले ना मिले लेकिन धोखा जरूर मिलेगा कि भाई कहाँ पैसे खर्च कर दिए आपने। एक चीज बहुत अच्छी लगी मूवी के अंदर, जिस तरीके से लास्ट में जो कार्तिक आर्यन आमी जी तुमार पर लिप सिंक करते हैं, और कमाल की बात वो है कि जो ये आवाज है वो अरिजीत सिंह की होती है। ये चीज कुछ अलग लेवल होने वाली है, यहाँ पर कमाल की बात होगी। जैसे गाना बाहर आता ये तो वायरल है ही, साथ में इस गाने को मूवी में अलग तरीके से ही दिखाया जाएगा। देखिए जो पहली वाली थी अपनी भूल भुलैया, वहाँ पर अक्षय कुमार मान लो भूत भगाने में एक्सपर्ट नहीं, कोई बाबा जी टाइप नहीं, लेकिन उन्होंने स्टडी खूब किया है भूतों के ऊपर, आदमी साइकोलॉजी में एक्सपर्ट है। लेकिन यहाँ तो कतई फरोड़ नजर आ रहे हैं कार्तिक आर्यन, भाई मूवी का एंगल मान लिया, लेकिन यार कुछ तो ऐसा रखते कि मूवी देखने में मजा आए, हम थोड़े एक्साइटेड हो जाएं। बस एक चीज़ अच्छी की है, ट्रेलर को बड़ा कर दिया गया है, पूरी मूवी को आपके सामने दिखा दिया गया है कि आप जज करें आना है कि नहीं आना है। लेकिन फिर भी यार मूवी देखने तो जाना ही, आपको बाकी की अपडेट देनी है कि कैसी रही कैसी नहीं रही, बट आप इंतज़ार कीजिएगा, आके एक बार रिव्यू दे देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि देखेंगे कि नहीं देखेंगे। बाकी नेटफ्लिक्स के साथ डील हो रखी है, आपको 1 महीने बाद या 15 दिन के बाद मूवी नेटफ्लिक्स पर मिल ही जाएगी। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि भैया भूल भुलैया 1 या भूल भुलैया 2 आपकी फेवरेट कौन सी रहने वाली है। बाकी मैं मिलता हूँ उसे बहुत जल्द, तब तक आप सभी को अलविदा।